भिजवा दो। अमित बाबू जरा मेरी बात तो सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी, एक मिनट। मैं आपकी नजरों में खूनी हूं, मुजरिम हूं, कहां तक सच है कहां तक झूठ है इसको साबित करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। छोटी सी मेहरबानी मुझ पर कीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे जमानत के लिए या अपने आप को छुड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिर क्या है? कल मेरी लड़की की शादी, उसका मंगलसूत्र खरीदने के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकला था। मेरी लड़की से कह देना कि तेरा बाप एक बहुत जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए शादी ना रोकी जाए, और हो सके तो लड़के वालों को भी समझा देना। कहाँ रहते हो? धारावी, खोली नंबर 110। मेरा नाम गोपाल है, मेरी बीवी का नाम बिमला है। पता पुलिस वालों को बता दीजिए, आप तो जानते हैं कैदी की बेटी बड़ी मुश्किल से भले घर की बहू बन सकती है। लक्ष्मी काहे को रोती जा रही है, चुप करना। चाची देखिए ना, नहीं मानती, रोती जा रही है। लक्ष्मी बेटी रो मत, तेरे बापू आते ही होंगे, जरूर उन्हें कोई काम पड़ गया होगा। चाची, गोपाल चाचा के दोस्त आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। आइए। जी नहीं, ठीक है। गोपाल यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, कल रात से गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। भेजा है? वो खुद क्यों नहीं आए, कहाँ है वो? उन्हें कुछ? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल बेटी के मंगलसूत्र के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए अचानक उन्हें पूना जाना पड़ा। पूना? फिर ये शादी कैसे होगी? मंगलसूत्र कहाँ से आएगा? मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं, एक महीने से खुद बीमार थे, जो कुछ घर में था एक एक करके सब बिक गया। एक महीने से बीमार थे? इसका मतलब महीने भर से वो घर से बाहर ही नहीं गए? नहीं, मैं ही रोज अस्पताल जाकर दवाई लाती, कल जरा सी तबीयत ठीक हुई और मंगलसूत्र का इंतजाम करने के लिए गए, और अब तक। रोइए मत, ये इसे रख लीजिए। ये क्या? ये 500 रुपए हैं, गोपाल ने दिए थे मुझे, कहा था कि आपको दे दूं, और ये भी कहा था कि अगर उसे आने में देर हो जाए तो ये शादी किसी भी हालत में ना रोके। ये लीजिए। अगर बाबा नहीं आएंगे तो मैं मंडप पे नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? जिस मंडप के लिए तुम्हारे बाबा ने इतनी तकलीफें उठाई, अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, उसी मंडप पे जाने से इनकार कर रही? देखिए मैं उनसे मिलता हूँ और जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शादी किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। भाई मैं उसके घर गया था, वहां पता चला कई दिनों से घर पे बीमार पड़ा था। अगर वो घर पे बीमार पड़ा था तो फोन करने और फोन करने का सवाल ही पता नहीं होता। बेचारा गरीब है, कल उसकी बेटी की शादी है, शादी के लिए पैसे चाहिए थे, चोरी की, पकड़ा गया। लेकिन उसको पता तुम्हें किसने बताया? उसने मुझे खुद बताया था, कह रहा था पुलिस को मत बताना, बेटी की शादी का सवाल है, एक कैदी की बेटी को कौन ब्याहे? ये तो बहुत बुरा हुआ सर,
मैं एक आइडिया दूं? हवलदार प्लीज अपना आइडिया अपने पास रहें। अमित बैठो। यादव साहब एक बात, उस आदमी को छोड़ दे। अमित यार छोड़ कैसे दे, उस आदमी ने चोरी की है, चोरी का इल्जाम है उस पर। देखो जमानत मैं भरी देता हूं। चलो तुम भाई, आदमी गरीब है, दुआ देगा और ऐसे मौके पर दुआ दिल से निकले, आड़े वक्त काम आएगी यार। देख के यकीन नहीं आता कि जमाने में तुम जैसे लोग भी होते हैं। ठीक है खैर आओ, कुछ करता हूं, चलो आओ। देखो तुम्हारी जमानत हो चुकी है, तुम जा सकते हो। हवलदार बंद कर दो दरवाजा। सुनिए मेरी जमानत किसने दी? देखो इस समय वक्त जाया मत करो, बारात आने का वक्त हो गया, जाओ। बताइए मेरी जमानत किसने दी? अरे भाई किसी ने भी दी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जल्दी घर जाओ, जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? गरीब आदमी हूँ, अदला में कुछ नहीं दे सकता, बस दुआ कर सकता हूँ भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपकी सारी तकलीफें मुझको लग जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहता, जान दे सकता हूँ आपके लिए, अभी आजमा कर देख लीजिए, आधी रात बुलाइए, सर के बल चल कर चला। अच्छा मेरा कहना मानो, भगवान का नहीं मानो आपका जरूर मानूंगा। तो इस वक्त एक लफ्ज नहीं बोल, घर जाओ, बेटी बाप के आशीर्वाद का इंतजार करे। चॉकलेट खाओगे? आप कौन है? हम यानी कि तुम्हारे अंकल हैं। चॉकलेट लो, इनके आओ। लो, लो। अमित, मैं इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जादव? हाँ। क्या बात है? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अमित, तुम फोन घर आ जाओ। क्यों? क्या बात है? मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बात क्या है? तुम मेरी बात मानो अमित, तुम घर आओ फौरन। लेकिन आप बताइए तो सही, बात क्या है? बंटी कहीं खो गया है। बंटी? हाँ मैं आता हूं। शीला? क्या हुआ शीला? बंटी कहाँ है? मुझे मेरा बंटी ला दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो गया कहाँ? यहाँ जिसे पूछो। बंटी तुम्हारे साथ क्या था? अपन लोग के साथ पार्क में गया होता, उधर वो दूसरे बच्चे लोग के साथ खेलता होता। हाँ हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अपन दूसरे भाई लोग के साथ बात करता होता, मालूम नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो उसे अकेले क्यों जाने दिया तुमने, इडियट? कहाँ जा रहे हो? हट जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। किसे किसे मार डालोगे, कहाँ ढूंढोगे उसे? अमित अपने जज्बात को काबू में रखो, तुम्हारा कोई भी कदम बंटी की जान के लिए खतरा बन सकता है, ये काम तुम्हारा नहीं पुलिस का है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हैं पुलिस ने मुझ पर, मुझे और किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, समझे? पुलिस माय फुट, क्या किया है पुलिस ने मेरे लिए? आए दिन वो खूनी एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है और आप लोग मुंह ताकते रह जाते। मेरी बीवी और बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी कि नहीं ली थी? पुलिस के होते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यही कहा था ना आपने, यही वादे दिए थे, क्या हुआ उन वादों का? फिर बंटी कैसे खो गया, क्या जवाब है आपके पास? अमित इंस्पेक्टर साहब चले जाइए, मुझे ना आपकी मदद चाहिए ना ही आपकी हमदर्दी। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो अमित, ये मौका कैसे बातें करने का? उधर देखो तुम्हारी बीवी का क्या हाल है। मैं मानता हूं अमित कि वो आदमी लगातार कोई ना कोई चाल चल रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन अमित जहां तक बंटी का सवाल है उसे ढूंढने में मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। चलो अवलदार
आप लोग भी चलिए। मुझे मेरा पार्टी वापस चाहिए, प्लीज अमित प्लीज। शायद ये नहीं कि तुम्हारी बीवी मालूम होती है, अपना बच्चा मांग रही है। यू बास्टर्ड, यू ब्लडी बास्टर्ड। हां हां, पढ़े लिखे आदमी हो, यानी कि गालियां नहीं बकते। वेरी बैड, अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखो वरना। और क्या चाहिए तुझे? ये हुई नहीं यानी कि समझदारी की बात। सुनो, अपने घर का यानी कि जाके दरवाजा खोलो, बाहर तुम्हें छोटा सा यानी कि पैकेट मिले। मजाक छोड़ो, पंटी का मैं जो कहता हूँ पहले सुनो मेरी बात। घर का यानी कि जाके दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें यानी कि एक छोटा सा पैकेट मिलेगा। बेचारी बच्चे के गम में इन्हें के पागल। ठीक है, बोलो। पैकेट मिला? हाँ मिला। खोलो से। क्या? खोलो इन्हें के, देखो क्या है उसमें। एक शीशी, उसमें एक पिन लगा हुआ है और उसके अंदर कुछ पाउडर। पाउडर नहीं, साइनाइड है। साइनाइड? साइनाइड क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये पिन तुम उस आदमी के शरीर में यानी कि हल्के से चुभा दो तो ये जहर उस आदमी को यानी कि हमेशा के लिए। What? Impossible. क्या बात है? मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। सुना तुमने? I can't do it. I can't do it. तुम चाहते हो मेरे शादी का खून कर दो शीला। तुम ये काम जरूर करोगे वरना यानी कि बंटी। हेलो हेलो, डैम स्वाइन। क्या चाहता है? पागल चाहता है कि मैं उसे जहर देकर मार डालूं। उसके कहना मान लो, अगर मेरे माटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुम चाहते हो मैं उसे खून कर दूं? हाँ, उसे मार डालो, भगवान करे उसे मौत आ जाए। मुझे मेरा माटी वापस चाहिए बेटा। परेशानी की वजह से सो नहीं सका। जानता हूं, पेशेंट अभी तक होश में नहीं आया। मैं उसे देख सकता हूं? इजाजत तो नहीं मिस्टर अमित, लेकिन आप आइए मेरे साथ। तुम भी आओ। हवलदार, ये मरीज को देखना चाहते हैं, इन्हें अंदर जाने दो। मेरे बेटे की कितनी चिंता करता है, जैसा तेरा अपना भाई। भगवान तुझे सुखी रखे बेटे। सो
मार लो, उसे मार डालो, भगवान करे उसे मौत आ जाए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हालात में कोई भी आदमी उस खूनी का कहना मान के वर्मा को जहर दे देता, लेकिन आप यू आर रियली अफ्रेड मैन, और मैं वक्त आने पर लोगों के सामने आपकी मिसाल पेश करूंगा कि आदमी बहादुर हो तो। कमिश्नर साहब, ना मुझे नाम चाहिए, ना शौहरत, और ना ही इसकी लालच में मैंने ये काम किया। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अमीर, बहुत बर्दाश्त किया कमिश्नर साहब, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन तीन दिनों में मेरे घर की क्या हालत हो गई, ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ चला गया। मेरी बीवी रो रो कर पागल से हो गई, और यह सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश की। अगर इस दुनिया में भलाई का यही अंजाम है तो मैं कभी। अमित, ये क्या दिल छोड़ा नहीं करते? हम जो है तुम्हारे साथ, भगवान ने चाहा तो बच्चे को मिलने का जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। सर, वो कार्ड जिस प्रेस में छपा था उसका पता चल गया। वेरी गुड, और उसके ऑर्गेनाइजर के नाम का भी। प्रेस का नाम है रेमंड प्रेस, और प्रोग्राम करने वाली संस्था का नाम है स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। प्रोग्राम आज शाम को है। यस सर। देखा, मैंने कहा था ना, दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब आराम से घर जाओ और अपने मिसेज से कहो कि घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। नमस्ते। आपका कार्ड? ये क्या, फटा हुआ कार्ड? सॉरी, माफ कीजिएगा, बच्चे ने फाड़ दिया। आपका कार्ड? सॉरी। अरे अरे, क्या करते हो? अरे ये तो हमारे चीफ गेस्ट हैं, किशन लाल जी। आइए सर, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। नमस्ते। आइए आइए। सज्जन, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे शहर के बहुत बड़े, बहुत नेक और बहुत दानी श्री किशन लाल जी ने इस संस्था का चीफ गेस्ट बनकर हमारा और आपका मान बढ़ाया। अब मैं इन महापुरुष से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके सामने हमारी इस संस्था के बारे में अपने शुभ विचार प्रकट करें। देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका यानी कि आभारी हूं
या आप लोगों ने इस शुभ कार्यक्रम यानी कि शुभ अवसर पर शामिल होने का यानी कि मौका दिया, और मैं ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यानी कि जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा मान दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में भी यानी कि ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें बच्चों की तालीम की फिक्र है, खासकर उन बच्चों की जिनके माँ बाप यानी कि पढ़ाई का बोझ यानी कि अपने कांधों पर नहीं उठा सकते। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वैसे मुझे भी बच्चों से यानी कि बहुत प्यार है। अब मैं ऐसा चाहूंगा कि बच्चों की ऐसी संस्थाएं हर शहर और हर स्टेट में होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा यानी कि माँ बाप के बगैर या अपने आप को लावारिस महसूस न करे। आज की फंक्शन की कामयाबी पर यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। यकीन कीजिए, ये वही आदमी है, मैं उसकी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। बात बात पर यानी के कहता है। दादा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के पास कार्ड नहीं था ना? पॉसिबल अब आप लोगों का ज्यादा वक्त लेते हुए मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोगों से यानी कि आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद। हाँ प्रोफेसर साहब, जब भी कभी किसी मदद की जरूरत हो याद कर लीजिएगा, आप तो जानते हैं। सॉरी कृष्णलाल जी, इस आदमी का बच्चा खो गया, इसलिए जरा अपसेट है। क्षमा कीजिए कृष्णलाल जी, आपको कष्ट उठाना पड़ा, कोई पागल वागल आदमी। इट्स ऑल राइट, लेकिन ये सब क्या है, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। आइए आइए, छोड़ दो ज्यादा समय आदमी को जाने मत देना, याद रखो नहीं है, छोड़ दो, यो बास्टर्ड की बॉडी जान पर, अमी सो बास्टर्ड, छोड़ दो मुझे, अमी अभी अभी एक आदमी आया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे टांग पर चाकू मारा। मुझे इंस्पेक्टर साहब आपको फोन। रिपोर्टर वर्मा होश में आ गया। गुड, वेरी गुड। वो कहता है कि किशन लाल ही वो आदमी है। क्या किशन लाल जी ने उसे मारने की कोशिश की थी? हाँ, किशन लाल एक बहुत बड़ा स्मगलर है, और रिपोर्टर वर्मा उसकी असलियत को बेनकाब करना चाहता था। लेकिन कुछ नहीं, यानी कि तुमने गाड़ी नहीं चलाई तो तुम्हें गोली छोड़ा दूंगा। जाओ जल्दी कर। यादव साहब, तू मेरा बच्चा। मैं मानता हूं कि आप सीआईडी के आदमी हैं, मगर मानिए कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, और उस आदमी की वजह से हजारों मुसाफिरों की जान जा सकती है। आप कुछ भी करके उस गाड़ी का ट्रैक बिल्कुल ओपन रखिए। Shut up!
है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन मास्टर। क्या ये कैसे हो सकता है? आप ट्राई तो कीजिए। लेकिन कोई ट्रैक ओपन नहीं है मास्टर साहब, ये बहुत जरूरी है, आप कुछ तो कीजिए। अच्छा तो मैं 5 नंबर दे सकता हूँ क्योंकि फ्रंटियर में लेट है। ऑलराइट दादर प्लीज। वो ट्रैक खाली चाहिए। फ्रंटियर मेल वक्त पर आई थी लेकिन अभी अभी यहाँ से निकली है। कुछ तो कीजिए स्टेशन मास्टर साहब। 2 नंबर की जो फास्ट ट्रेन है उसे वही रोकिए। ओके सर। ट्रैक नंबर 4 पर आ रही है, उसे किसी भी ट्रैक पर पास होने दीजिए। ये कैसे हो सकता है, सामने से गाड़ी आ रही है। ठीक है ठीक है, हम बोरीवली SM को कॉन्टेक्ट करते हैं और सौराष्ट्र एक्सप्रेस को बोरीवली स्टेशन से पहले रोकने की कोशिश करते हैं। ओके सर। जिनकी किसी की नजर नहीं जाती, जो बेनाम है। चलो अमित,